हिंदी की कक्षा में 12वीं के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। पिछले दिन हम लोगों ने शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय पढ़ा था और कविता का सारांश पढ़ा था। मैंने यहाँ पे ग्रामीण यानी गांव में जब सूर्य का उदय होता है या सूर्य उदय होता है तो उस समय गांव का वातावरण या माहौल कैसा होता है, उस घटना के बारे में इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे। उसका सारांश पिछली कक्षा में उन्होंने पढ़ा था। क्या कहते हैं कवि, दीजिए पंक्तियों पर आप ध्यान दीजिए। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, शंख तो आप लोग सामान्यतः देखोगे क्या होता है, सादे रंग का होता है, तो यहां पे बताया नीला शंख जैसे। ये सारे प्रतीक शब्द हैं, बिंब है, मैंने कवि को यहाँ था नीलापन जो नजर आता है आकाश में आसमान में, उस नीलिमा के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। मैंने सादा और नीलिमा का मिश्रित रूप, कब यानी प्रात का नभ यानी सुबह का आसमान, भोर का नभ, फिर देखिए उस शब्द को स्पष्ट कर रहे हो, प्रात का नभ मैंने भोर का नभ मैंने सुबह का आसमान आकाश, राख से लिपा हुआ चौका। अब देखिए सीधे प्रकृति की चर्चा करते हुए मैंने आसमान से बात करते हुए वो क्या हुआ, कभी घर में प्रवेश करें, मैंने गांव में जो मैंने बताया था सारांश पढ़ाने के दौरान कि मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था और लोग लकड़ी से या भूसी से इन सभी चीज़ों से क्या करते थे, उस चूल्हे को जलाया करते थे। आज हम लोग भले हीटर आ गया है हमारे पास, इंडक्शन कुकर आ गया है या मान लीजिए गैस वगैरह की व्यवस्था हो गई है, ये इन सारी चीज़ों का प्रयोग हमारे द्वारा किया जाए, लेकिन था सब प्राचीन समय में यानी आज से पूर्व के समय में हम लोग के समाज में इतनी मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनाया जाता था। धीरे धीरे हम आधुनिक होते जा रहे हैं और हमारे भीतर ये सारे परिवर्तन आते जा रहे हैं, रहन सहन से लेकर खान पान से लेकर सभी क्षेत्र विशेष में, तकनीकी क्षेत्र पे तो मनुष्य दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। तो मान लीजिए आज तकनीकी का सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि मैं जो आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से या ई क्लास के माध्यम से या लाइव क्लास जो भी चल रही है, ये क्या पूर्व के समय में ऐसा संभव था, कतई ही नहीं था। तो जैसे जैसे ये क्या है, ये हमारे कहीं ना कहीं विकसित होने की निशानी है। तो यहाँ पे कवि लेकिन उस ग्रामीण संस्कृति का वर्णन कर रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, मैंने अभी भी नमी है उसमें, मैंने वो जो लिपा गया है कपड़े से भिजाकर, उसमें तो मिट्टी रहता है चूल्हे को जब लिपा जाता है तो सब मिट्टी का तो घर हुआ करता था पहले, तो जो लिपा गया है तो उसमें अभी भी नमी है, सीलन है, मैंने वो पूरी तरह से सूखा अभी नहीं है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, मैंने जैसे हम लोग देखा होगा कि हम लोग ग्रीन बोर्ड जो यूज करते हैं या ब्लैक बोर्ड जो यूज करते हैं उस पर क्या करते हैं, चौक यूज करते हैं। मान लीजिए अभी इस बोर्ड पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्कर पेन यूज कर, तो देखिए ये बोर्ड कैसा है आपका, पूरा सफेद रंग का है। अब इसमें क्या हो रहा है, हम लोग अभी ब्लू मार्कर पेन मान लीजिए लिख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन जिसको कहते हैं हम लोग, उससे लिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे बीच में देख रहे हैं ब्लू ब्लू रंग की कुछ आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, यानी कुछ यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो कविता का नाम उषा है और कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं तो उसी प्रकार जब चूल्हे को लिपा जाता है ना तो उसमें एक रेखा 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 दाग दाग नजर आता है, तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे स्लेट पर किसी ने लाल कड़िया मैंने लाल चौक से कुछ लिख दिया हो। अगर कभी भी आप लोगों को अगर मौका मिले या आप ऐसा करके देख सकते हैं कि मान लीजिए जमीन जब सूखी हुई है, जब मैंने ये फर्श की मैं बात नहीं कर रहा हूँ या मार्बल की बात नहीं कर रहा हूँ, मिट्टी का जो क्षेत्र विशेष है, तो वहाँ पर देखिएगा कि अगर आप भीजा हुआ कपड़ा से उसको ऐसे एक बार हाथ इधर से उधर घुमा के देखिए, और मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि यहाँ पे ग्रामीण संस्कृति की बात हो रही है, तो क्या करें मल दियो किसी ने, मैंने किसी ने लगा दिया हो, रगड़ दिया हो, मल दिया हो उसमें। नील जल में क्या कह रहे हैं कभी, देखिए प्रत्येक शब्दों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, नील जल में। अच्छा बताइए तो पानी का कोई रंग होता है क्या, कोई आकार प्रकार होता है, उसको जिस वस्तु में हम लोग रंग देते हैं उसी का आकार धारण कर लेती है, जिस रंग में रंग देते हैं वैसा रंग धारण कर लेती है। किसी कवि ने कहा है ना कि पानी ने पानी तेरा रंग कैसा, या उसके आकार प्रकार के बारे में पूछा है, ये कई बार ये किसी फिल्म का गाने के बोल भी बन चुके हैं ये,
शब्द। तो यहां पर क्या है, कवि वही कह रहे, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब देखिए, पहले प्रातःकालीन नव के बारे में, आकाश के बारे में बात हो रही थी, उसके बाद ही कभी क्या हो रहा है, जो चूल्हा जो है, चौका जहाँ पे खाना वाना बनाया जाता है, अभी जिसको हम लोग रसोई घर कहते हैं या किचन कहते हैं, उसकी बात कर रहा है। उसके बाद उसको जो लिपा गया है भीजे हुए कपड़े से, तो उसके बाद वहाँ का रंग रूप कैसा है, वहाँ कैसा देखने में लगता है, उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद सीधे से देखिए फिर पहुँच गया है तालाब या नदी के संदर्भ में। क्या कह रहा है कभी कि नील जल में या किसी की, मैंने वहाँ पे क्या होता है, जब सूर्य की वो रोशनी पड़ रही है, जो अभी प्रातःकालीन जो नभ है, जहाँ अभी सूर्य पूरी तरह से उदय नहीं हुआ, मैंने उसकी जो लालिमा जो पड़ रही है उसको देखकर लगता है नीले जल में क्या लगता है, गौर झिलमिल दे, गौर माने गोरा, देह माने शरीर, झिलमिल माने हिल रहा है, क्या हो रहा है उसमें, जैसे हिल रही हो, मैंने वो जो लहरें जो होती हैं जल में, देखिए कवि की कल्पना देखिए, उनकी बारीकियों को देखिए, लहरों की इस हलचल को कवि गोरे रंग के देह से कर रहा है जो हिल रही है। यानी कवि कितनी बारीकियों से घटनाक्रमों को वर्णित कर रहा है आपके सामने, या कितनी बारीकियों से के साथ उसने उस घटनाक्रम को देखाया है। ये कई बार हम लोग देखते हैं कि प्रकृति में के संदर्भ में कई बार हम अपने विचार देखते हैं, लेकिन क्या वो विचार खूब हमारे सटीक होते हैं, या क्या प्रकृति को जिस रूप में देखना चाहिए, हेलन केलर पाठ आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रकृति को क्या होता है जिस रूप में देखना चाहिए, क्या हम उस रूप में देखते हैं। अगर आपसे ही पूछा जाए, मान लीजिए आप किसी प्राकृतिक स्थान की यात्रा कर रहे हैं, आपने क्या देखा, तो कुछ नहीं देखा, तो वही तो पेड़ पौधे थे, तालाब था, नदियाँ थी या समुद्र था, मैंने मान लीजिए जहाँ की आप यात्रा करने गए वहाँ के घटनाक्रम के बारे में, तो फिर आप गए क्यों थे उस जगह की यात्रा करने के लिए। अगर आपको वहाँ पे कोई खास कुछ नहीं मिला या कुछ विशिष्ट नहीं लगा, तो उस जगह विशिष्ट की यात्रा करने क्यों गया, इसका उत्तर फिर आपके पास कुछ नहीं होगा। मैंने जब हम लोग घूमने जाते हैं तो जिस उद्देश्य से जा रहे हैं उस स्थान विशेष पे, उन चीज़ों को खोजने की कोशिश करें, उसको महसूस करने की कोशिश करें। यहाँ जब कवि ग्रामीण संस्कृति के इस रूपों को उपस्थित कर रहा, तो मैं उनकी पंक्तियों के माध्यम से कवि के जो विचार व्यक्त करने की जो भावना है, उन विचारों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी उस भावना को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, और अंतिम दो पंक्तियाँ अब रह गई हैं, कवि क्या कहता है, और जादू टूटता है इस उषा का अब, यानी अब जो प्रातःकालीन थी, जब अभी सूर्य नहीं निकला था, अब क्या हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है, अब सूर्य आसमान में निकल रहे हैं। देखिए अगली पंक्ति है, सूर्योदय हो रहा है, और जैसे सूर्योदय होता है तो क्या होता है, दिन हो जाता है, चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती। यानी कभी आप सुबह में उठकर, अभी मुझे मालूम है कि इस स्थिति में आप लोगों में से कितने लोग सुबह उठते होंगे, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार सुबह में उठिए सूर्योदय होने से पूर्व, और घर से बाहर निकलिए, अपने छतों पर जाइए, घर से बाहर निकलना तो ही मना किया गया है, तो आप लोग अपने छतों में जाइए या बालकोनी में जाकर देखिए प्रातःकालीन बेला कैसी होती है, यानी सुबह का समय कैसा होता है, कितना मनमोहक होता है वह। हो सकता है अभी बारिश हो रही है, उसकी वजह से नहीं भी देखने को, लेकिन जिस दिन नहीं हो, कभी कभी आप लोगों को सुबह में उठकर ये चीज़ें देखनी चाहिए, मैंने उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य दोनों को देखना चाहिए, और देखकर आपको ये सोचना चाहिए कि दोनों में क्या अंतर है, उस समय वातावरण की स्थिति कैसी होती है, पूरी प्राकृतिक स्थिति कैसी होती है, देखने में कैसे लगता है। तो जब इस कविता को मैंने पढ़ाया, जब एक बार आप प्रातःकालीन बेला को आप लोग देखेंगे, यानी सुबह को देखेंगे या भोर को देखेंगे, सूर्योदय होने से पूर्व, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, तब आप इस कविता के साथ अपने आप को और अधिक निकट ले जा पाएंगे, या अपने साथ इस कविता के संबंध को जोड़ पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप यह काम कीजिए, घर पर एक दिन सुबह में उठकर
और उसके बाद इस कविता को अपने साथ जोड़कर कीजिए या उस स्थिति से जोड़कर देखिए, कविता आपको और सहज लगेगी और आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आज यहीं तक, अगले दिन हम लोग इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।